Hello students, welcome once again to SSD class. In the last class we studied chapter number 5, motions of the earth, means prithvi ki gati, earth speed, tempo. And we studied already these topics, rotation, effects of rotation, earth day. Okay, so today's our new topic is revolution. Means चक्कर लगाना. The movement of the earth around the sun in the fixed path is called revolution. जब earth जो है चक्कर लगाती है किसके? Sun के, around the sun, और एक fixed path में, ठीक है, उसका जो रास्ता होता है, path means रास्ता, fixed होता है, उसे revolution बोलते हैं. The path around which travels around the sun is called the orbit. Orbit means होता है परिक्रमा करना, ठीक है. तो द पाथ, वो रास्ता जिससे हमारी अर्थ जो है वो ट्रेवल करती है अराउंड द सन, सन के आसपास, उसे ऑर्बिट बोलते हैं. द ऑर्बिट इज एलिप्टिकल और ओवल इन शेप. आप लोगों ने एग देखा है, एग का शेप क्या होता है? ओवल होता है. ओवल मीन्स अंडाकार, ठीक है. तो अर्थ का जो ऑर्बिट है, जैसे वो परिक्रमा लगाती है सन के, ठीक है, जो पाथ है उसका, वो क्या है? एलिप्टिकल और ओवल इन शेप है. बिकॉज ऑफ इट्स ओवल शेप द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन चेंजेस कंटिन्यूसली. इसके ओवल शेप होने के कारण क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, जो अर्थ का डिस्टेंस है सन से, वो चेंजेस होता रहता है, कंटिन्यूसली बदलता रहता है. द टाइम टेकन बाय The earth to complete one revolution around the sun is called a year. अपना एक पूरा जो complete one rotation, जो revolution है around the sun, जो earth अपना complete करती है, वो कितने time में? A year, एक साल में complete करती है sun के जो वो चक्कर लगाती है, revolution करती है. A year is 365 days, 5 hours and 48 minutes. एंड 45 seconds लॉन्ग. एक साल जो है उसमें कितने दिन होते हैं? 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 45 seconds लॉन्ग. ओके, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 365 एंड वन एंड अ फोर्थ डे. इसको हमेशा वन एंड अ फोर्थ डे में काउंट करते हैं, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक इन अकाउंट वन अपॉन फोर्थ डे. And therefore, one year is taken as 365 days. One upon four को हम कब काउंट करते हैं? ये जो हर साल जो इसका काउंट होता है, तो इसको हम हर फोर्थ ईयर में इसको काउंट करते हैं. और ये जो है वन अपॉन फोर, ये हर फोर ईयर में मिलकर वन डे बन जाता है. इसीलिए हम एक साल में कितने दिन मानते हैं? 365. लेकिन जो ये एक दिन पूरा बनता है जिस फोर्थ ईयर में, ठीक है, उसको लीप ईयर कहते हैं, क्योंकि उसमें 366 डेज हो जाते हैं. ठीक, क्यों? क्योंकि उसमें फैब के मंथ में क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है. सी हियर, इन फोर ईयर द वन अपॉन फोर डेज एड अप टू वन डे. मैंने अभी बताया आपको, दिस वन डे इज एडेड टू द फोर्थ ईयर. सो एवरी फोर्थ ईयर हैज 366 डेज. And the month of February has 29 days instead of the usual 28 days. ठीक है, usually कितने होते हैं? 28 days होते हैं फेब में, लेकिन हर fourth year में क्या होता है? फेब में 29 days हो जाते हैं, और वो year leap year होता है. Such a year with 29 days in February is called a leap year. Okay students, next. Effects of revolution. इसका effect क्या होता है? The equator or the imaginary horizontal line at 0 degree latitude at the center of the earth divide the earth into two halves, the northern and the southern hemisphere. हमने पढ़ा था earth जो है two halves में divided है, northern and southern hemisphere. Okay, north pole, south pole. Look at the picture given here. इस picture में देखिए, this is the sun and this is our earth. Okay, revolution of the earth around the sun
एंड द सीजन कॉज ड्यू टू इट, इसी की वजह से सीजन्स होता है अर्थ पे. सीजन हम देखते हैं ना, गर्मी होती है, समर होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, चेंजेस होता रहता है, ठीक है. विंटर होता है, स्प्रिंग होता है, ऑटम आता है, ठीक है. तो ये इसी कारण होता है, जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है, कभी ये सन के पास होती है और कभी ये सन से दूरी पे होती है, ठीक है. लुक एट द पिक्चर गिवन हेयर, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट्स द अर्थ इज इंक्लाइंड इट द सेम डायरेक्शन. अ ईयर इज यूजली डिवाइडेड इंटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन. सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. मैंने भी आपको बताया सीजन कैसे चेंज होता है, ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जैसे जैसे वो सन के चक्कर लगाती है, ठीक है. द नियरनेस और फर्दरनेस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सन डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द सन्स एनर्जी रिसीव्ड बाय द प्लेस. दिस डिटरमाइंस वेदर द वेदर इज वार्म और कोल्ड. इससे हमें पता चलता है उस टाइम का वेदर कि कब गर्म है, कब कोल्ड है. कब गर्म होगा, देखिए समर सीजन यहाँ पर जून में, ठीक है. यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर सीधी किरणें पड़ रही हैं सन की, ठीक है. यहाँ पे देखिए सितंबर के टाइम पे, ठीक. नेक्स्ट यहाँ दिसंबर, ओके. एंड हियर मार्च. दिस इज द डायग्राम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द सीजन कॉज ड्यू टू इट, ओके. सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, रेवोल्यूशन, effect of revolution, okay. And if there is any problems regarding comes to you, then you can ask to me, okay. Thank you.